आशियाना प्रायोजक ब्रीज सोप इंटरनेशनल ब्रीज। वैसे अब दामिनी की जिंदगी मेरे हाथों में। क्यों अंकल, कोई तांत्रिक मिल गया क्या जो घर में बैठे बैठे दामिनी को मार देगा? मेरा दिमाग किसी तांत्रिक या साइंटिस्ट से कम नहीं। मेरे ऐसी कौन सी बात होगी जो दामिनी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में आ गई? भाभी जी ने मुझसे कहा है कि दामिनी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख कर उसकी शादी करवा दो। इससे तो ये बात साबित होती है कि ऊपर वाला तुम्हारे ही साथ है। हमने तो हर कोशिश करके देख ली लेकिन नाकामयाब रहे। हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। हैं? डैड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दामिनी शादी के लिए राजी हो जाएगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए डैड, पहले विवेक फिर मैं, हम दोनों में से किसी के साथ भी वो घर नहीं बसा पाई, इसलिए अब ये फैसला कर बैठी होगी कि उसके नसीब में पति का सुख है ही नहीं, इसलिए वो शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। राहुल, तुम्हारी बात सही, लेकिन चाहती तो वो भी यही होगी, चाहे मुंह से ना कहे, कि उसे कोई सहारा मिल जाए, और पति से अच्छा सहारा कौन हो सकता है। तुम्हारी इस बात से तो सहमत हूं मैं, अगर ऐसा हो जाए तो उसे नहीं मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। देवराज साहब, आप और सहारे की बात कर रहे हैं, पहली बार आपके मुंह से इतना नरम जुमला सुन रहा हूं, ताज्जुब है मुझे। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है परमजीत, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत नहीं। बिजनेसमैन जब डील करता है और डील में उसे जब अपना फायदा नजर आता है तो वो एडवांस देने में बिल्कुल देर नहीं करता, इमीडिएटली दे देता है। क्या बात है डैड, वाह। देखा अंकल, क्या तुरुप का इक्का मारा है डैड ने। मेरे तुरुप का पत्ता तो ये है कि जो लड़का मेरी नजर में है वो लड़का हमारी मुट्ठी में है। उसकी दामिनी से शादी हो गई तो दामिनी हर वो चीज करेगी जो हम चाहेंगे। भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या? यही कि दामिनी के लिए आप जो भी लड़का ढूंढेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो दामिनी की जिम्मेदारी को उठा सके, उसे संभाल सके। भाभी, जो लड़का मैंने देखा है वो दामिनी को ही नहीं बल्कि आशियाना और आशियाना के पूरे परिवार को भी संभाल लेगा, और ये लड़का भैया को भी बहुत पसंद था। अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अगर ये लड़का मेरा दामाद बन जाए तो दामिनी की जिंदगी संभल जाएगी। अच्छा? हाँ भाभी जी, अगर भैया बीमार ना पड़ते तो। बीमार कहाँ पड़े थे, किसी शैतान के बच्चे ने उन्हें ट्रक से उड़ा दिया था। हाँ, मेरा मतलब वही है कि अगर वो जिंदा होते तो इसी लड़के को चुनते, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, उन्हें पसंद था तो बात ही खत्म, अब बात आगे बढ़ाइए। लेकिन भाभी जी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, मैं समझी नहीं। मैं बात कर लूं और दामिनी शादी के लिए राजी ना हो तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और वो शादी से इनकार कर सकती हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी। उसे मैं तैयार कर लूंगी शादी के लिए। कैसे कर लेंगी भाभी जी, कैसे कर लेंगी, जिद्दी लड़की है वो, और फिर आप उसकी सगी माँ भी नहीं कि अपने दूध का वास्ता देकर उसे मजबूर कर ले। मजबूर तो वो अब खुद हो गई है इस फैसले को करने के लिए, फिर भी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब जज्बाती बात है भाभी जी, अगर मैं बात बढ़ाऊं और बात बिगड़ जाए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। बात नहीं बिगड़ेगी, अगर ऐसा कुछ हुआ
तो आप कभी मेरा मुंह नहीं देखेंगे। ऐसी बात मत कीजिए भाभी जी, दामिनी से बढ़कर मेरी इज्जत से बढ़कर आपकी जिंदगी है। ठीक है, मैं बात करता हूं। डव हेयर फॉल रेस्क्यू सिस्टम। अरे भाई क्या बात है, बहुत परेशान से लग रहे हैं। क्या करूं चाचा जी, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, खड्डे बढ़ रहे हैं, भरने का नाम ही नहीं ले रहे। चिंता मत करो, खड्डे भी भर जाएंगे, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हो जाएंगी ये सुन करना, मेरे कान पक गए हैं। बेटे हर चीज को पकने में थोड़ा वक्त लगता है, हमारी कोशिशों के फलों को पकने का वक्त भी आएगा। मतलब तुम्हारी माँ ने दामिनी की शादी का वादा किया है। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा। कैसे? लड़का मेरी पसंद का होगा। फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, बस दामिनी की हाँ की देर है। दामिनी कभी हाँ नहीं बोलेगी। उसका पिछला रिकॉर्ड ये है कि उसने अपने पिता को मरने दिया, किसी से मदद नहीं ली, अपनी जवानी गुजार दी, मगर आशियाना का सौदा तक नहीं होने दिया। पैसे पैसे के लिए तरस गई, मगर किसी के पास हाथ तक नहीं फैलाया। जिस लड़की ने अपनी जिद के खातिर अपने आप को घर से बेघर कर दिया, वो लड़की घर क्या बसाएगी? चाचा जी वर्षा सही कह रही है, वो आपकी बात बनने नहीं देगी। हाँ एक दफा मामा जी की बात मान भी ले, पर आपकी बात मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भाभी से बात साफ कर ली है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा क्या? ये ऐसा होगा होगा की रट लगा रखी है। मैंने कह दिया तो मेरी बात मानते क्यों नहीं? मानने वाली बात तो नहीं है, मगर एक झूठी आशा ये है कि प्यार की बोली में समझाया जाए तो शायद मान जाए। वैसे वो शादी नहीं करेगी, ये मैं भी जानती हूँ। सेमीफाइनल्स में तो हम आ ही गए हैं, एंड आई एम श्योर कि फाइनल्स में भी हम ही आएंगे। वो कैसे डैड? वो ऐसे बेटा कि दामिनी से उसकी मर्जी मत पूछो, लड़के वालों को सीधा बुला ही लो, दामिनी को सामने आना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ उसे मना ही ले। अगर दामिनी ने शादी से इनकार कर दिया तो माँ बेटी में झगड़ा हो जाएगा, तब भी हमें ही फाइनल में आना है। परमजीत अगर लड़के को देखकर दामिनी पिघल गई और शादी हो गई, और फिर शादी के बाद लड़का दामिनी का गुलाम बन गया तो? मैं जब भी कोई खेल खेलता हूँ तो एक बाजी जीत की और एक बाजी हार की मानकर ही चलता हूँ। अगर उस दामिनी ने उस लड़के को अपने जाल में उलझा भी दिया तो हम उसकी मक्कारी सबके सामने ले आएंगे। वो शादीशुदा है, उसका पति लापता है, वगैरह वगैरह, वो तो सबको मालूम है। मगर जब हरिलाल का मामला उठाया जाएगा तो हम इतना नमक मिर्च लगाएंगे कि दामिनी सीधी जेल चली जाएगी। फिलहाल फाइल तो बंद है, खुलवाने में कितना वक्त लगेगा?
देखो दादू, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, सोच समझकर ठंडे दिमाग से जवाब देना बेटा। देखते ही देखते जीजाजी हम सबको छोड़कर चले गए, हम किसी का कोई भरोसा नहीं, हम आज हैं कल नहीं। मामा जी ऐसा मत कहिए। दामिनी ये कड़वा सच। मामा जी जिंदगी और मौत उम्र देखकर नहीं आती है। बहस मत करो दामिनी, जो पूछ रहे हैं जो कह रहे हैं उसका जवाब दो। देखो दामिनी, मैं तो यही चाहूंगा कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। बड़ा मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ यही था कि हमारे होते हुए जब तुम्हें कोई नहीं पूछता तो हमारे बात कौन पूछेगा। मामा जी दामिनी को कभी ना किसी की जरूरत थी और ना आगे होगी। दामिनी बेटा तुम्हें अभी जरूरत नहीं, लेकिन जब तुम बुढ़ापे की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाओगी तो जरूरत पड़ेगी। हर इंसान को जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। बेटा पति पत्नी का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता होता है, यही रिश्ता जिंदगी भर काम आता है। बाकी रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं बेटा, बस इस शादी के लिए तुम हाँ कर दो तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मामा जी लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो बढ़ जाएगी ना, मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखा जाए तो मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। दामिनी तुम जिसे शादी कह रही हो वो शादी थोड़ी ही थी बेटा, वो धोखा था, फरेब था, और ये बात कोर्ट भी साबित कर चुका है। हरिलाल के साथ तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन हरिलाल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मम्मी मुझे नहीं लगता मेरी तकदीर में शादी लिखी है, दो बार धोखा खा चुके हैं, इस बार भी अगर धोखा हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? मामा जी क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार मेरी शादी सफल होगी? देखा अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए आप लोग मेरी शादी के बारे में भूल जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। मोहन कैसे समझाएं इस लड़की को? फिक्र मत करो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। दामिनी ने क्या कहा भाभी जी? इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? मैंने कल लड़कों वालों को बुलाया है, आप दामिनी से भी कुछ मत कहिएगा। अगर उन्हें दामिनी पसंद आ गई तो हम दामिनी की शादी जबरदस्ती करवा दें। जी मैं आप ही की फाइल देख रहा था, बता दूं आप जी यो नहीं। मामा जी एक बात बताइए, क्या मैं फुटबॉल हूं? कभी कोई इधर से ठोकर मारता है तो
तो कभी उधर से ठोकर मारता है। जिंदगी भर मैं कभी फर्ज की ठोकरें खाऊं, कभी हालात की ठोकरें खाऊं और कभी बदकिस्मती की ठोकरें खाती रहूं। मामा जी, आपको तो पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। आपको तो मम्मी को मना करना चाहिए, लेकिन आप हैं कि मम्मी की इस गलत बात में उनका साथ दे रहे हैं। नहीं दादी, मैं उनका नहीं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूं। दामिनी कब तक इस तरह अकेली लड़ती रहोगी? बस मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसा कोई तो हो जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कदम में कदम मिलाकर तुम्हारे उन दुश्मनों से लड़े। मतलब ये है मामा जी कि आप पहले से मानकर चल रहे हैं कि मेरी दूसरी शादी के बाद भी मैं वक्त की ठोकरें खाती रहूंगी और उसमें वो शामिल होगा और मेरे दुखों का साथी बनेगा। नहीं दामिनी, नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था बेटा। बस मैंने तो यही सोचा कि तुम माता पिता की जिंदगी में रानी बनकर रही, लेकिन उस बादशाह की तरह जो जिंदगी भर अपने ही महल में कैद था, और वैसे ही तुम आशियाना के झमेलों में कैद रही। अब कोई तो ऐसा है जो तुम्हें इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाए? आया तो था मामा जी, मगर कैद से छुटकारा दिलवाने के बजाय मेरे दोनों हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर चला गया। दामिनी, हम उसी कैद से तुम्हें छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, और वैसे भी तुमने उसे पति कब माना है? समाज ने तो माना है ना मामा जी, मेरी शादी का गवाह पूरा समाज है, आप ये बात जानते हैं ना? नहीं बेटा, वो गवाही झूठी है, वो शादी झूठी है, वो पति झूठा है। मगर वो मेरा पति है दामिनी। तुझे बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो तुम्हारा पति नहीं है, और ये शादी हम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए थे। मम्मी, हम साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन एक दिन जरूर साबित हो जाएगा, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है और सच की उम्र बहुत लंबी होती है। जब जो होगा तब देखा जाएगा। कल लड़के वाले आ रहे हैं, बेहतर यही होगा कि तुम तैयार रहो। मामा जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब चाचा जी के कारण हो रहा है। वो चाहते हैं कि दामिनी नाम का काटा उनके रास्ते से हट जाए और उन्हें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। दामिनी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि जो हो रहा है होने दो। मामा जी, आज अगर मेरे पापा होते तो वो ये कभी ना कहते कि जो हो रहा है होने दो। वो कहते जो दामिनी चाहती है वही होगा। मामा जी, मैं अपने पापा पर कभी बोझ नहीं थी। दामिनी, बोझ तो हम भी नहीं समझते, बस बात सिर्फ इतनी है कि हम इस बोझ को हमारे सीने में लेकर जाना नहीं चाहते कि हमारी बेटी ने पति का सुख नहीं देखा, जो हर लड़की का सपना होता है। और इसीलिए कह रहा हूं दामिनी, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सी भी इज्जत है तो तुम इस बात के लिए मान जाओगी, और अगर तुम नहीं मानती तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारे मन में हमारी कोई भी अहमियत नहीं। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परमजीत, ये लड़के वाले आज कितने बजे जा रहे हैं? शाम को, इसलिए तो मैं यहाँ पहले आ गया।
बेटा खुशखबरी असली खुशी नहीं है। देवराज साहब, इंसान को जब पैसे की उम्मीद होती है तभी वो बैंक में जाके खाता खुलवाता है। हमें भी तो पैसे की उम्मीद है ना। परमजीत, खाता तुम नहीं खोलने जा रहे हो, वो लड़का खोलने जा रहा है। बैंक की तरफ से हाँ का इशारा होगा तभी तो खुशी होगी ना, और वो भी अधूरी। देवराज साहब, बैंक का मैनेजर मैं हूं। आशियाना प्रायोजक ब्रीज सोप इंटरनेशनल ब्रीज।